अंज तो आ गई यही बारी बेचारी जी। कितना टाइम हो गया जी यार, आप ही पानी पूनी मार ले जी, तसली जी नहीं होंगी यार। मैं चल अज आप पटवा लें शहरों जाके। भाई एक मैं दसो जी, बुलेट कि चला फेवरेट आ अपना, तो फेवरेट आ नाम भी देख लो रॉयल एनफील्ड है ना। रॉयल मतलब शह जिदा जिदा जे शहजादे हो गए, जिदा वो जिदा रॉयल हो गया, तो बुलेट बुलेट मतलब गोली, वाकई गोली बन जाती मोटरसाइकिल। फिर तुम दसो थोड़ा कि फेवरेट मोटरसाइकिल आ, या अपना तो बुलेट आ। बुल मोटरसाइकिल की सर्विस तो करते हैं, नाल इंजॉयमेंट भी कराते हैं, गाने गुने ला के गड्डिया गुड्डिया भी घूमते हैं। सुपेरा संगरू दस मंगनी जा चंडीगढ़ की। वही ठंड देख लो, मोटरसाइकिल भी धुआं मारता पे इंजन, वो तो मार नहीं मारते होंगे आ खांड खुंड का दी आना कद लगनी ठंड। नवा बन जाना कम करवाना, यदा कंपाउंड मरवानी आ, फिर लैमीनेशन करा देना, फिर नहीं टेंशन चक्कर कोई जिदा मर्जी लिपड़िया रहे जिदा मर्जी। न्याणे यार घरे ना झरीटा झरूटा पा लेंगे इन्हें, चल कोई ना न्याण ने भी चा आया बोल रहा। लो भाई वीर ने पानी देता मार सर्फ यार, एक ना मतलब वधिया चीज़ आँदी आ, वो जिदा ये कपड़े ना मारते पे है ना, वो कपड़े ना नहीं हुंदा, वो प्रेशर ही हुंदा, झग ही मारनी सारी, बस झग मार के कपड़ा मार देना, वो चीज़ वधिया है इस चीज़ नालों। चलो बाकी ना नहीं लियांदी होगी, चल गल सही आ, जब चली जाना कम तोड़ झटता नहीं हो स्कूल, इंजॉयमेंट पूरा गाने नाल। एक नंबर बाइक इंडिया नंबर वन बाइक बुलेट। धोआ लेना चाहिए कम कुम मोटरसाइकिल नाल नाल कर लेना चाहिए। ये भी एक चीज़ होर, जिदा जो भी बाइक धोने ना अपना कि भी धोने ज आप धोने धोने कभी भी बाइक में चाबी ना छोड़ो, जो आप चाबी छड़ दें ना तो भी लॉक वैसे पानी जाने का डर रहता, जिद ना फिर जंगाल जंगुल पै जाता खासा, वो ना फिर खराब हों चाबी लाने भी अड़ते लॉक, ता ही लॉक खराब होंगे। बाकी हफ्ते हफ्ते महीने बाद माड़ा मोटा काम करवाते रहना चाहिए, चैन कसाते रहनी चाहिए आ। जोड़े व्डे मोटरसाइकिल छोटे तो चल इन्ना कोई फर्क नहीं पैंता, क्योंकि दो तो बंदे बहने होंगे आ, ये व्डा इंजन है इन्हों का, कम नालों नाल हों रहे तो वधिया रहा है, लाइफ टाइम भी सैट रहा है। तो तुम्हें पता चीज पई रहा भी उत्ते वरती जानी उत्ते खड़ी रहनी आ, तो उसे खराब ही होनी है ना। बाकी मैं भी कदे कदे चला महीने बाद चलाईदा आ, चलो बाकी रेस भी बुलट की यार, एक रेस पुरानी किस तरह की। हाँ भाई अपना बुलेट तो हो गया रेडी, हूँ फ्रैश फ्रैश हो गया, कंपाउंड करवाना सगा पर टाइम हूँ मिस भी है नहीं गा, तो इन्हों पर भी गड्डिया गुड्डिया बहुत खड़िया देख लो, इन तो भी कहते भाई टाइम लग जाना है, चलो टाइम तो मिस भी नहीं है जी, करवावे कंपाउंड भी लैमीनेशन भी करवा देना, ओके कर देना इन्हें। बाकी दसो अपने थॉट ताते बुलेट के बारे की थॉट आ, योजी लगती है तुम बुलेट बाइक। लो भाई मित्रों बुलेट तो हो गया अपना धो, तो बस कपड़ा रह गया मारने वाला, कपड़ा जो मारो कि आ वीर जी कह रहे भाई बाइक बुलेट तो बहुत सोहना आ। मैं क्या ठीक है भाई जी, बस निकलते हैं फिर हम कपड़ा कुपड़ा मरवा के वीर जी कपड़ा मार दोगे निकलते हैं। लो भाई मित्रों अपना तो हो गया बुलेट रेडी हूँ। एक चीज़ होर, मैं ना आप पिछली बिल्डिंग देख रहे थे आ जी, एक हिंदी स्कूल ही हुई आने नहीं सूँ देख रही ना, चलो कोई ना, इतने 1900
ਬਤਾਲੀ ਤੇ 1361 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 1361 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ 1942 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ 1361 ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ 1361 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ, 1942 ਦੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ 1942 ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਏਸੀ ਉਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਫ, ਇਹ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਫ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1361 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਰਦੂ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਲਿਖੀ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਆਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਰਦੂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਖਾਸੀ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਉਹ ਪਾ ਮੇਚੇ ਨਾ ਚਾੜਦੀ ਗੱਡੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾਸੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲੌਗ ਬਲੂਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਬਾਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ,